प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपकी लग्न कुंडली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें दूसरे भाव की मैं जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि बनी हुई है उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ किस तरह के द्वितीय भाव की स्थिति आपको अपने जीवन में सफलता देने का कार्य करेंगी, आज इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो बहुत ही रोचक होंगी, आपको अपने दूसरे भाव यानी धन भाव से जुड़ी जानकारी मिलेंगी, धन की विशिष्ट स्थिति और गुप्त राज आपको पता चलेंगे। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मुख्य रूप से मैं द्वितीय भाव में अन्य इतनी बातों का विचार न करते हुए आपको जानकारी दूंगा कि वहां पर जो राशि बनी है इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर कैसा प्रभाव रहता है, कुटुंब का प्रभाव किस तरह का रहता है, उसकी कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। सबसे पहले देखा जाए तो आपकी जो कुंडली है ये किसी भी लग्न की है, सामान्य जो कुछ सूत्र है वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कुंडली का जो दूसरा भाव है धन भाव, इस धन भाव के स्वामी जिस भाव में बैठेंगे उसके अनुसार अपना प्रभाव प्रदान करेंगे। ये बात आप समझ ले कि कुंडली का दूसरा भाव और बारहवा भाव ये अपने आप कार्य करने वाले नहीं होते, इसमें जिस तरह के ग्रह बैठते हैं उस तरह का प्रभाव इनसे जुड़ जाता है। क्योंकि धन संचयन करना भी जो प्रभाव देता है ये ग्रह की जिस तरह की स्थिति होती है उसके अनुसार ही देता है। या आपको किस रूप में धन को संचित करना चाहिए जो आपको अच्छा धन दे, ये दूसरा भाव दर्शाने का काम करता है। जैसे समझ लीजिए दूसरे भाव में चंद्रमा है, अब चंद्रमा धन बचने नहीं देंगे, तो आपने ये किया कि धन को सॉलिड रूप में कर दिया या फिर ठोस रूप में बदल दिया, आपने जमीन में लगा दिया अपने अन्य ग्रह स्थिति को देख करके, या आपने बैंक में इस तरह से पैक उसको मतलब फिक्स कर दिया कि आपके हाथ में सीधे रूप में न रहे, तो ये भी आपके मतलब पैसे कहीं ना कहीं सेव हो जाएंगे। और इसी प्रकार अन्य ग्रह जो बैठते हैं उसके अनुसार अपने धन को संचित करना ज़्यादा अच्छा परिणाम दे पाता है। और दूसरे भाव का स्वामी जिन जिन भावों में बैठेगा उसके अनुसार भी धन आगमन भी धन संचयन भी वो दर्शाता है। अब इससे जुड़ी वीडियो तो मैंने पहले दी थी आपको, जिसमें दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति बताई थी कि वो त्रिक भावों में बैठा हो तो धन संचयन में परेशानी उत्पन्न करता है और कर्ज की स्थिति निर्मित कर देता है। अब लेकिन दूसरे भाव का जो स्वामी है ये अच्छे भावों में बैठा हो तो किसी भी लग्न आदि में हो ये शुभ परिणाम देने का कार्य करता है, बस नीच राशि में या पीड़ित अवस्था में किसी प्रकार से न हो तो बहुत बढ़िया रहता है। जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्न है, अब मेष लग्न में दूसरे का स्वामी कौन बनता है, शुक्र बनता है। अब शुक्र की स्थिति इस कुंडली में जितनी अच्छी रहेगी उतना शुभ प्रभाव आपको ये देने का काम करेगा। एक बात और कि ये शुक्र अगर कुंडली के बारहवें भाव में भी हुआ तो भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुंडली के सप्तम में जहां पर भी मैंने इसको कमजोर बताया था वहां पर भी ये शुक्र आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र की अपनी ही राशि आ जाएंगी तो वो वहां पर बैठ करके आपके धन में वृद्धि करने का ही काम करेगा। अगर शुक्र कुंडली के बारहवें भाव में बैठेगा तो उच्च राशि में बैठेगा, जिसके कारण वो धन में कमी नहीं लाएगा बल्कि खर्च भी करवाए लेकिन धन को देने का काम भी यही शुक्र करेगा। तो इसीलिए ये शुक्र की अवस्था आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ में कुंडली के अष्टम भाव में अगर मेष लग्न के अंदर शुक्र बैठा हो तो ये भी शुभ परिणाम देगा, पैतृक संपत्ति आदि तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ यह आपको अपने दम पर भी सफलता और अपनी बुद्धि से जीवन में अच्छा धन देने का कार्य अवश्य से करेगा। संभव है कि स्वास्थ्य पर खर्च ये करवाता रहे, या तो घर परिवार में किसी अन्य के या फिर या आपके स्वयं के या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर करवा सकता है, किंतु धन देने में कमी नहीं करेगा, धन बचाने में भी अच्छा प्रभाव देगा और अपना घर आप इस शुक्र के प्रभाव से अवश्य बना पाएंगे। इसके अलावा जैसे कुंडली के दूसरा जो भाव है ये यहाँ पर सौम्य ग्रह की राशि होने से, शुक्र की राशि होने से कई बार ये देखने को मिला कि घर परिवार ऐसे घर परिवार में जन्म होता है जहाँ पहले से भी सुख सुविधा की स्थिति होती है, क्योंकि शुक्र की राशि दूसरे भाव में है
और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि शुक्र के प्रभाव से आप भी अपने जीवन काल में अच्छा धन अर्जित कर पाते हैं, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इस शुक्र के प्रभाव से घर परिवार में कई बार स्त्री वर्ग की संख्या ज्यादा होती है, यानी महिलाएं ज्यादा होती है, और कार्य क्षेत्र में जुड़ने वाले भी कई बार जो आपके आसपास कार्य करने वाले रहे वो स्त्री वर्ग रहते हैं। स्त्रियों से विशेष सहयोग की प्राप्ति आपको होती है कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि के बने होने से। अब धन के लिए देखा जाए, अच्छी राशि है दूसरे भाव में वृषभ राशि, संचित रूप में आपको धन देने का काम करती है। आप भले खर्चीले स्वभाव के भी रहे लेकिन धन आपको इतना दे देती है कि वो कभी खत्म नहीं होता, तो धन की प्राप्ति आपके पास अच्छी बनी रहती है, धन अच्छा संचित भी रहता है। और आपकी जीवन संगी ने भी धन को सही तरीके से एक बैलेंस स्थिति में कर लेती, खर्चीला स्वभाव उनका रहे लेकिन धन बच जाता है। इसके अलावा अगर वृषभ राशि की बात करें तो दूसरे भाव में मिथुन राशि आती है। अब मिथुन राशि आने से आप धन को लेकर के थोड़ी चिंता अदा करते हैं, धन बचाने का स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा रहता है, या अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा आपके अंदर देखने को मिलती है। यूं भी आपका जो लग्न है ये कहीं ना कहीं वृषभ लग्न कुंडली काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव का ही लग्न है, तो धन बचाना संचित करना इस तरह की प्रवृत्ति अधिक होती है। और अगर अन्य ग्रह भी सहयोग कर जाए, शनि लग्न में आ जाए या चतुर्थ में सूर्य वगैरह हो किसी प्रकार से, तो या बुध लग्न में हो, सूर्य शुक्र दूसरे में हो, तो ये क्या करेगा, धन भी अच्छी मात्रा में देगा और ऐसा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का फिर बन जाएगा। कई बार खर्च करने से बचाव करेगा या कैसे भी धन बचा लो बस उसके बारे में सोचेगा, ये बातें कई बार आ जाती है। लेकिन हाँ, खर्चीला स्वभाव होता है, आकस्मिक खर्चा आप अवश्य से करते हैं मिथुन राशि के होने से। मिथुन राशि दूसरे भाव में है, द्वि स्वभाव राशि होने के कारण धन आगमन भी और धन का संचयन भी एक जैसा नहीं रहता, धन खर्च भी आपका आकस्मिक रूप से बड़ी मात्रा में हो जाता है। किंतु कई बार अगर जैसे दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, बुध भी वहीं पर हो, तो धन बचाता भी ऐसा व्यक्ति, और कई बार इतना धन बचाने के बारे में सोचता है कि खुद का धन खर्च नहीं करता, दूसरे का खर्च करवाने लग जाता है, तो ये प्रवृत्ति भी बन जाती है। हालांकि यही है कि व्यक्ति के पास दूसरे भाव में सूर्य बुध वृषभ लग्न में हो तो धन की कभी कमी नहीं होती और अच्छा ही परिणाम प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर यहाँ दूसरे भाव में शनि भी बैठे हो वृषभ लग्न के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं देते, धन ही अच्छा देने का काम करते हैं। हाँ, जन्म स्थान से दूर कई बार ले जाते हैं, शुक्र बैठे हो तो कहने की बात नहीं, लग्नेश बैठेंगे तो धन तो अच्छा देंगे ही। चंद्रमा के होने से यहाँ पर ये देखने को मिला कि वो धन बच नहीं पाता और बहुत संघर्ष करना पड़ता है धन बचाने के लिए, ये बात देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल के बैठने पर भी खर्च बहुत ज़्यादा रहता है, व्यर्थ की चीज़ों में नुकसान, किसी को दे दिए तो पैसे फंस जाना, वो मिलना नहीं डूब जाना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा कमज़ोर रहता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृषभ लग्न के अंदर मिथुन राशि होने से घर परिवार में प्रायः देखने को मिला कि अच्छे वक्ता कहीं ना कहीं घर परिवार में होते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर अच्छे धार्मिक कार्यों को करने वाले घर परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, संस्कार आदि घर परिवार से बहुत अच्छे ऐसे जातक या जातिका को प्राप्त हो जाते हैं घर परिवार से। और घर परिवार में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं बड़ा घर परिवार होता है, अगर साथ में अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो घर परिवार कुटुंब में जो लोगों की संख्या रहती है अच्छी रहती है, मतलब एक अच्छा बड़ा संयुक्त परिवार देखने को मिल जाता है इसके प्रभाव से। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि का प्रभाव भी धन के लिए तो अच्छा कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिथुन लग्न की, यानी दूसरे भाव में कर्क राशि की, ऐसे व्यक्ति धन के लिए कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं। चिंतित इसलिए क्योंकि यहाँ पर चर राशि बनी हुई है, चर राशि दूसरे भाव में बनेगी तो ये क्या करेंगी, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये आपके धन को मतलब स्थिर नहीं रहने देंगी, बचाने का स्वभाव तो रहेगा लेकिन कहो कि अपने सुखों में इतना खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी कि धन बचेगा नहीं, ऊपर से चर राशि बनी है तो चर राशि का प्रभाव है चलायमान रहना, तो दूसरे भाव में चर राशि होने से धन भी चंचल हो जाता है तो बचाने का प्रभाव कम उत्पन्न होता है। लेकिन लाभ भाव की स्थिति अच्छी हो, विशेषकर लाभ भाव में सूर्य हो, राहु हो या बुध हो, शुक्र भी बैठे हो, तो ये धन की स्थिति अच्छी प्रदान करता है फिर, और उसके कारण फिर व्यक्ति को धन की चिंता नहीं करना पड़ती। गुरु की स्थिति भी अगर लाभ भाव पर दृष्टि डालती हो तो अच्छा है, बैठना इतना अच्छा नहीं, दृष्टि डाले वहां तक ठीक है और धन फिर अच्छी मात्रा में रहता है व्यक्ति के पास। और दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा के कारण उतार चढ़ाव, अप डाउन थोड़ा सा धन संचयन में रहता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बुध बलवान हो, शुक्र बलवान हो और
प्रॉपर्टी आदि में या अन्य किसी ऐसे ठोस रूप में पैसों को एकत्रित रखे तो बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा के प्रभाव से मैं कहूंगा कि एक जगह धन संचित करने की जगह अलग अलग जगहों धन संचित करना चाहिए, यानी अलग अलग या तो अकाउंट बना दिए उसमें संचित कर दिया, स्वयं के नहीं लेकिन घर परिवार के अन्य के जो अकाउंट है उसमें जमा कर दिया जिससे एक बारे में निकाल ना सके। तो ये चीजें क्या करेंगी कि धन को संचित करने का कार्य करेंगी, क्योंकि अब ये है ना कि आपका मिथुन लग्न है तो खर्चीला स्वभाव तो है ही, अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, अपने दोस्त मित्र आदि के ऊपर, अपने कहीं ना कहीं लव पार्टनर के ऊपर भी आप खर्च अधिक करते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिर धन को लेकर के चिंतित कर सकती है। तो इसलिए ध्यान यही रखें कि आप उसका मैनेजमेंट बनाना जानते हैं लेकिन फिर भी एक सही तरह से खर्च करें। अब चंद्रमा का प्रभाव दूसरे भाव में आएगा तो घर परिवार में देखने को तो ये मिल जाता है कि चंद्रमा के कारण ईमानदारी से काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। ये जरूर है कि सभी के अंदर अन्य के लिए अच्छा करने का स्वभाव आपको देखने को मिलेगा कुटुंब के सभी लोगों में, जो आपके पहले जो भी जिनका भी जन्म हुआ जो भी रहते हो उनके अंदर मैं बोल रहा हूँ। इस चंद्रमा के कारण आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं अब बचपन से मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मिली हो ऐसा संभव नहीं है, हो सकता है बहुत निचले स्तर से आपने चालू किया हो, लेकिन चूंकि आपका स्वभाव तो बचपन से एक राजसी ठाट बाट वाला रहा है तो उसके कारण आप बचपन से ही कहीं ना कहीं धन अच्छा अर्जित भी करना चाहते हैं और आगे भी मतलब आप अपने जीवन काल में अच्छा धन अर्जित कर ही लेते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो स्थिति है आपके लिए दूसरे भाव में कर्क राशि की ये अच्छी रहती है। विशेषकर इसमें ये देखने को मिला कि घर परिवार में स्त्री वर्ग की संख्या और पुरुष वर्ग की संख्या लगभग लगभग समान होती है। चंद्रमा की स्थिति अगर किसी प्रकार से पापक ग्रहों के बीच में आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर स्त्री जातक या स्त्री जो भी रहे घर में उनके स्वास्थ्य पर खर्च होता रहे या फिर आपको मानसिक अशांति ज्यादा रहे, ये सब बातें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि होने पर ये जरूर देखने को मिला कि ये आपको जीवन में धन भी देती है लेकिन हाँ चंचल प्रभाव इस राशि में होने से धन को लेकर एक उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये तो तीन राशियों की मैंने आपको चर्चा करी। अब देखिए वीडियो ज्यादा लंबा तो हो रहा है लेकिन मैं आपको अभी एक और राशि की जानकारी दे करके फिर बाकी जो 8 राशियां बचेंगी उनकी जानकारी आगे आने वाले कुछ वीडियो में देने का काम करूंगा, क्योंकि अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो आपके भी किसी काम का नहीं रहेगा और ना ही उसे कोई देखना पसंद करेगा। तो इसीलिए मैं आपको अब कर्क लग्न की जानकारी देता हूँ, यानी सिंह राशि। दूसरे भाव में सिंह राशि हो तो है तो ये स्थिर राशि, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है कि अब जैसे घर परिवार वालों की बात करें इसमें पहले तो कहीं ना कहीं घर में थोड़ा एक अपना अलग अनुशासन देखने को मिल सकता है। एक हो सकता है सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कहीं ना कहीं घर परिवार में हो, डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं अच्छे मतलब, या तो बैंक में हो सकता है, IAS IPS हो सकते हैं। ये प्रभाव सूर्य की राशि यानी सिंह राशि का दूसरे भाव में एक प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है, यानी घर परिवार का कुटुंब का मान सम्मान समाज में अच्छा होता है, कार्य भी अनुशासन पूर्वक ईमानदारी से करने वाला स्वभाव बढ़ता है, उच्च पद कहीं ना कहीं घर परिवार में किसी न किसी का तो देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पर ये बात भी होती है कि सूर्य का जो प्रभाव है दूसरे मतलब भाव में सिंह राशि का, उसके कारण कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो धन की स्थिति रहती है ऐसा व्यक्ति अब अपने सूर्य की राशि है तो सूर्य सबके लिए करना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए करना प्रारंभ कर देता है। धन जो आया वो खुद के ऊपर तो खर्च करा नहीं, अन्य जो घर परिवार में थे उनके ऊपर खर्च कर दिया, उसके बाद में क्या बचा तो पता चला कुछ भी नहीं। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ कमजोर देखने को मिलता है। हालांकि ये भी है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर कई बार गुस्से में कुछ बोल देने के कारण, मुंह पर कुछ बोल देने के कारण यह बात रहती है कि जिनके लिए अच्छा करा वही कहीं ना कहीं फिर बुरा भला बोलने लग जाते हैं, क्योंकि अब ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है सिंह राशि दूसरे भाव में होने से कि जो भी बात हो सच बात हो सीधे सामने मुंह पर बोल देना, अब सामने वाले को तो बुरा लगता है लेकिन अब वास्तविकता तो फिर वही रहती है, तो ये बात रहती है कि उनसे संबंध फिर खराब हो जाते हैं और फिर वो व्यक्ति के मन में अकेला रहना एकांत प्रिय रहने का स्वभाव बढ़ जाता है। दूसरे भाव में सूर्य की राशि होने से धन तो ये देता है लेकिन वही बात है ना कि अब सभी के लिए करने वाला जो गुण है परोपकारी जो गुण है उसके कारण स्वयं की आवश्यकता के लिए भी धन नहीं बचता, तो ये कमजोरी वाला प्रभाव देने का काम कर देता है। लेकिन यहाँ पर यही बात है कि ये जो प्रभाव है यहाँ पर सूर्य का ये यहाँ थोड़ी कमजोरी देने का काम कर देता है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो तो फिर ज्यादा स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि अब सूर्य का जो प्रभाव है वो एक एक ही राशि है सूर्य की, पहले तो ऊपर से वो अगर पीड़ित हो गया कमजोर हो गया
तो ऐसी अवस्था में धन संचयन में पूरी तरह परेशानी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि कर्क लग्न होने पर अन्य लोग ठगने वाले, लूटने वाले या लाभ उठाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके कारण ऐसे व्यक्ति को फिर धन संबंधी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो ये समस्या आगे किसी प्रकार से, मतलब ऐसे व्यक्ति को परेशान न करे, उसके लिए ऐसे व्यक्ति को दिल की अपेक्षा दिमाग की सुनना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग की सुन करके काम करेगा तो एक सही प्रैक्टिकल निर्णय ले पाएगा ऐसा व्यक्ति, और उससे धन भी संचय होगा और आगे अच्छा परिणाम भी मिलेगा। या तो ये कोशिश करे कि धन अपने हाथ में रखे ही ना, घर में अन्य जो विश्वसनीय हो उनके पास पूरा धन दे दे, और कोई मांगने आएगा तो आप अपने तरफ से दे नहीं पाएंगे, तो उसके साथ में ये होगा कि आपसे कोई धन मांगेगा भी नहीं, और आपको किसी को देना भी नहीं पड़ेगा, जिसके कारण एक धन संचयन का जो प्रभाव है वो आपके लिए बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा कार्य करने का विचार करें, क्योंकि सिंह राशि दूसरे भाव में होने पर ये घर परिवार में कितना ही मान सम्मान क्यों ना दर्शाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो परोपकार का गुण है उसके कारण वो धन संबंधी स्थिति को मिला जुला परिणाम पे ले आता है। और स्वयं व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो धन संबंधी चिंता ऐसे व्यक्ति को फिर बनी रहती है, तो उसे ठीक रखने के लिए दिमाग से सोचे सबसे अच्छा वही रहेगा। तो ये तो बात हुई आपकी चार राशियों के दूसरे भाव में। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए फिर ज़्यादा लंबा खींचकर मतलब नहीं है, तो इसीलिए आज मैं आपको केवल चार राशियों की जानकारी मैंने आपको दी है। आगे अन्य राशियों की जानकारी मैं आपको दूंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।